तो कल मुझे बहुत सारे बंदों की विशेज आई हैं मेरे बर्थडे के ऊपर, एंड अभी भी आ रही हैं। तो इतना प्यार करने के लिए यार, इतनी सपोर्ट करने के लिए सबका दिल से थैंक यू लॉट। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो मेरे साथ, एंड आज का एक लाइक रेसल फन फैमिली के लिए। तो WWE के एक लाइव शो में सेथ रॉलिंस ने कम्पीट किया था, एंड वहां पर सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बढ़िया एंड ब्रे वाइट के स्टाइल में ट्रिब्यूट दिया ब्रे वाइट को। सेथ रॉलिंस ने सेम वैसे ही किया जैसे ब्रे वाइट रिंग के कॉर्नर में जाकर करते हैं उल्टा होकर, सेम वैसे ही सेथ रॉलिंस ने किया। तो भाई क्राउड लिटरली पागल हो गई थी वहां पर। तो सेथ रॉलिंस भी काफी ज्यादा इमोशनल है ब्रे वाइट को लेकर। तो आज काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एंड चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। बात करें सबसे पहली स्टोरी की, तो WWE के बहुत से सुपरस्टार जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन, कैरी क्रॉस, शॉर्टसी एंड और भी काफी सारे बंदों ने ब्रे वाइट का टैटू बनवाया है एंड इस तरह से ट्रिब्यूट दिया है ब्रे वाइट को। इसी के साथ एक फुटबॉल मैच के स्टेडियम में मैच के शुरू होने से पहले ब्रे वाइट का गाना सुनने को मिला हमें क्राउड की तरफ से। तो ये WWE छोड़ो, अब तो WWE के बाहर भी ट्रिब्यूट मिल रहे हैं ब्रे वाइट को। एंड भाई रोमन रेंस से काफी ज्यादा फैंस गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि ना तो रोमन रेंस स्मैकडाउन पर आए थे और ना ही कोई ट्वीट या पोस्ट डाली थी ब्रे वाइट से रिलेटेड, तो इसलिए फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए हैं रोमन रेंस के ऊपर। अब इसके पीछे WWE ने रीजन दिया है कि बहुत सारे सुपरस्टार को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए वो स्मैकडाउन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई देखो, कभी कभी हर सुपरस्टार को अपना करेक्टर ब्रेक करना पड़ता है, आउट ऑफ स्टोरी लाइन जाना पड़ता है जब ब्रे वाइट जैसा इंसिडेंट हो जाए WWE। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में कॉमेंट्स में जरूर बताना मुझे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो भाई आपके लिए एक गुड न्यूज है कि जॉन सीना का मैच ऑफिशियल कर दिया है WWE ने सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए, जो कि इंडिया में होने वाला है। तो जॉन सीना टीम अप करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ एंड फेस करेंगे इंपीरियम के बंदों को, लुडविंग काइजर एंड वेंसी को। बेसिकली WWE जॉन सीना को प्रोटेक्ट कर चल रही है यहाँ पर एक टैग टीम मैच में डालकर। एंड साथ ही ये भी अब तो कन्फर्म हो चुका है कि ग्रेट खली भी आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल में। तो क्या अब आप इंटरेस्टेड हो इस शो को देखने के लिए लाइव? कमेंट्स में बताना मुझे कि कौन कौन जा रहा है शो को देखने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट की। तो फैंस काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं WWE से कि ब्रे वाइट के जाने के बाद ब्रे वाइट की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए एंड उनकी ये स्टोरी लाइन को अंकल हाउडी आगे लेकर जाएं। तो ये एक ऐसा काम होगा अगर WWE इसके ऊपर फोकस करेगी कि फैंस इस स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे। बाकी ये WWE का डिसीजन है कि वो अंकल हाउडी को वापस लेकर आते हैं या फिर ब्रे वाइट के साथ साथ अंकल हाउडी का करेक्टर भी चल गया है WWE से। क्या आप देखना चाहते हो अंकल हाउडी को किसी स्टोरी लाइन के अंदर? कॉमेंट्स में अपनी थर्ड पल वाली राय जरूर देना मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, WWE की और अपडेट जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।